हे दोस्तों, आज जो हम राखी बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है। उस पे अभी मैं एक गोल बना के ले रही हूँ। ये जो गोल है, आपको राखी जिस साइज की चाहिए उस साइज का आप बना के ले सकते हो। अब इसके बीचों बीच मैं एक और गोल बना के ले रही हूँ और इसे भी हम कैंची की सहायता से काट लेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, आप कोई भी लंबी वाली चीज़ ले सकते हो जिस पे हम ये धागा लपेट पाए। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये जो मैंने लिया है ये सिल्क थ्रेड है। यह आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें ये धागा इस कार्डबोर्ड पे लपेट लेना है। करीबन मैंने इसके 50 राउंड लिए हैं, 50 बार इसे ऐसे लपेटना है। अब इसे हम एक साइड से काट लेंगे। ध्यान रखें कि आप कोई भी इसका हिस्सा छोड़े नहीं। अब इसके एक साइड को हम फेविकॉल लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। सेम इसी प्रकार से मैं दूसरे साइड पे भी बना ले रही हूँ। आप देख सकते हो दोनों साइड पे मैंने फेविकॉल लगा लिया है। अब जो हमने गोल कट किया था हम उस पर फेविकॉल लगा लेंगे और ये जो सिल्क थ्रेड का एक सिरा है वो हम उस फेविकॉल पे लगा देंगे और दूसरा सिरा इस छोटे राउंड में से निकाल लेंगे और इसी तरह हम पूरे राउंड में पूरा जो सर्कल है उस पे ये सिल्क थ्रेड लपेटते जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बीचों बीच मैं फेविकॉल लगा के ले रही हूँ। और उसके ऊपर मैंने ये मेरे पास मोती और डायमंड का वर्क का एक लटकन था वो मैंने लगा दिया है। आप कोई भी एक धागा ले लीजिए। ये जो मैंने बीच में लगाया है डायमंड, इसकी जगह आप मोती या कुछ भी और लगा सकते हो, बिंदी कुछ भी लगा सकते हो। अब जो ये धागा है उस पे हम मोतियां पिरोएंगे। मैंने बड़ी साइज का मोती लिया है, उसके बाद उससे छोटी साइज का मोती लेंगे हम। सेम उसी साइज का फिर से एक पिरोना है और उसके बाद हम फिर से बड़ा वाला मोती उसमें लगा देंगे। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसके बीचों बीच हमें जगह करनी है ताकि हम अपनी राखी को इसमें लगा के ठीक से सजा पाए। अब एक कोई भी पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और उस पर हम फेविकॉल लगा लेंगे और वो हमें राखी और धागे के ऊपर लगाना है ताकि हमारा धागा ठीक से अपनी जगह पे बने रहे। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी राखी बन के तैयार हुई है। बनाने में बहुत ही इजी है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।